हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके एक्सरसाइज 5.3 के आगे की क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू कर रहे हैं। ये पार्ट 7 है सीक्वेंस में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों, हमको S24 सम ऑफ 24 टर्म्स निकालना है एक AP का जिसमें nth टर्म का फॉर्मूला दिया हुआ है ना। तो an इज इक्वल टू 3 + 4n। अब अगर an का फॉर्मूला दिया हुआ है हमको तो हम पहले AP क्रिएट करेंगे। हम n की जगह 1 भरेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, n की जगह 2 भरेंगे A2 सेकंड टर्म आ जाएगी, 3 भरेंगे थर्ड टर्म। सिर्फ तीन संख्या ही निकाल लो। चलिए तो सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, A1 हमारा फर्स्ट टर्म ही होता है तो 3 + n की जगह हमको 1 भरना है, 4 + 3 हो गया 7। इसी प्रकार से A2 हमको निकालना पड़ेगा तो यहाँ 2 भरना पड़ेगा, 3 + 4 = 8 और 3 = 11। एक और निकाल लो, 3 + 4 = 12 और 3 = 15। हमने तीन टर्म्स निकाल ली, AP आ गया तो therefore AP हमारी बन गई है 7, 11, 15 एंड सो ऑन। और ऐसी कितनी टर्म्स है टोटल, 24 टर्म्स। तो अभी हमको क्या पता है, ए पता है 7, डी पता है 11 में से 7 गया तो कितना बचेगा 4, और हमको एन पता है 24 और S24 चाहिए। S24 का फॉर्मूला है n/2 और ब्रैकेट में 2a + n - 1d। सब कुछ पता ही है, एन हमारा 24 अपॉन में 2 लिख देंगे, 2 × a हमको पता है 7 + n 24 - 1d कितना है हमारा 4। क्लियर है, ये कट गया तो कितना आएगा 12 7 2 = 14 + 23 × 4। बच्चों 23 × 4 = 92 होता है, तो 12 और ब्रैकेट में 14 + 92 कितना आ जाएगा 12 × 92 में 14 ऐड किया तो कितना आ जाएगा 4 और 2 तो हो गया 6 और 9 और 1 हो गया 10। 106 को 12 से इंटू करना है बच्चों, 106 × 12 12 6 = 72 कैरी 7, 12 0 = 0 7 12 1 = 12 कितना आ गया बच्चों 1272। ये हमारा आ गया बच्चों 4th वाले का पार्ट नंबर 1। समझ में आ गया, 1 3 1 2 7 2। सम ऑफ 25 टर्म्स बोला है बच्चों, हमने 24 निकाल लिया, यहाँ बोला था कितना 25। चलिए 25 का भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ n कितना ले लेंगे, हमने गलती से 24 लिख लिया, 25 25, ठीक है। तो यहाँ क्या चेंज होगा, यहाँ और यहाँ चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, सिर्फ यहाँ दोनों जगह चेंज हो जाएगा। तो यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 25/2, यहाँ पे भी आ जाएगा 25, ठीक है। 25 - 1 कितना हो जाएगा, 25 - 1 = 24, तो ये आ जाएगा 25/2 14 + ये हो जाएगा 24 4 होता है 96 और 14 होता है 110। 25/2 × 110 कटेगा तो 5 25 × 55 110 का था 55, इसको इंटू कर देता है बच्चों, 25 5 = 125 कैरी लग गया 12, 25 5 = 125 और 12 137 तो ये आएगा 1375। क्लियर है, चलिए इसी प्रकार से हमारा बच्चों पार्ट नंबर 2 है, सेम टू सेम वही हमको S25 निकालना है। इस बार हमको an का फॉर्मूला चेंज करके दे दिया, ये पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। an इस बार क्या दे दिया हमको, 7 - 3n। चलिए पहले a1 निकाल लेते हैं जो कि फर्स्ट टर्म ही होती है, क्या करेंगे 7 - 3 = 2 7 - 3 = 3 7 - 3 = 3 चलिए 7 में से 3 गया तो 4 7 में से 6 गया तो 1 7 में से 9 गया तो -2 एंड सो ऑन। तो देयरफॉर AP बन गई हमारी, क्या बन गई 4 1 - 2 एंड सो ऑन। कितनी टर्म्स हैं 25 टर्म्स, यहाँ पे भी बच्चों 25 टर्म्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो बताओ A हमारा है 4, D हमारा 1 में से 4 माइनस हुआ कितना आएगा -3 और n हमको लेना है 25। चलिए S25 फॉर्मूला पता है n/2 और ब्रैकेट में 2 × a, a क्या है हमारा 4 + n - 1, n हमारा 25 है 25 - 1 और d हमारा कितना है -3 तो ब्रैकेट में -3 ऐसा और ऐसा ब्रैकेट लगा लेंगे 25/2 ये होता है 8 + बच्चों ये 24 × -3 24 3 = 72 होता है लेकिन माइनस का आएगा
25 बाई 2 इंटू 8 माइनस 72, क्लियर है? 24 थी 72, और 8 में से 72 गया तो आएगा 64 माइनस का, वो भी है ना, 25 बाई 2 इंटू माइनस का 64, ये कटेगा तो माइनस 32, 25 इंटू माइनस 32 इंटू कर लेते हैं बच्चों, 25 टू जा 50, कैरी लग गया 5, 25 थ्री जा 75, 75 और 5 80, और ये माइनस में आंसर आएगा। समझ में आ गया? ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए इसके बाद हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ 51 टर्म्स निकालना है, ठीक है। फिर क्या दे दिया, इन विच सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर, मतलब एक तो सेकेंड दिया हुआ है और एक थर्ड भी दिया हुआ है, लगातार दो टर्म्स दिया हुआ है, ठीक है ना। सेकेंड टर्म है कितनी, 14 और 18। बच्चों अगर कोई भी लगातार दो टर्म्स देते हैं तो उनके बीच का डिफरेंस जो होता है कॉमन डिफरेंस ही होता है, तुम डी निकाल सकते हैं सीधा सीधा, तीसरी में से दूसरी घटा लो, लगातार है ना टर्म दूसरी और तीसरी, तो तीसरी में से सेकंड घटा देंगे तो डी आ जाएगा। चलिए तो 18 में से 14 घटाया कितना आएगा, 4, ओके 4 पता लग गया। अब हमको ए2 पता है तो ए2 का फॉर्मूला लिख लो, ए2 होता है ए प्लस 1 डी, इससे एक कम बार डी, ए2 हमको पता है 14, ए हमको पता नहीं, 1 इंटू डी हमको पता है 4, इससे ए निकलेगा, 14 में से 4 गया तो D पता A पता, हमको S51 निकालना है, इजीली निकल जाएगा, और S51 में N कितना लेना है, 51, तो बताओ S51 फॉर्मूला हमारा N by 2 ब्रैकेट में 2A plus N minus 1 D, भर देते हैं फॉर्मूला, ठीक। N कितना, 51 by 2 ब्रैकेट में 2 into A, A कितना है हमारा 10 plus N minus 1 मतलब 51 minus 1, 51 minus 1, और D कितना हमारा, D हमारा 4 है into 4, क्लियर है। चलिए बाहर 51 बाई 2 ब्रैकेट में 20 आ गया, और ये 54 जा 200 होता है, 50 इंटू 4 ये हो गया 220, तो 51 बाई 2 इंटू 220 काटा तो ये 110 आएगा, 51 इंटू 110, बच्चों एक जीरो ऐसा कैसा लगा दूं मैं, है ना, और 51 11 जा कर लेते हैं, 51 ये आएगा 561, चेक करेंगे, ये हमने निकाल लिया सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एपी कितना आ जाएगा, 5610, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्या दे दिया क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ ए पी आर 17 एंड 350, फर्स्ट टर्म 17, लास्ट टर्म, ठीक है, पहली और आखिरी दे दिया, इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, ये भी दे दिया, देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन ए पी एंड व्हाट इज देयर सम, टर्म्स कितनी है, एन पूछा और सम SN पूछा। अच्छा N कैसे निकलेगा, पहले AN का फॉर्मूला लगा लेते हैं, AN का फॉर्मूला है A प्लस N माइनस 1 D, भर दो जो जो पता है, AN पता है 350, A पता है 17, N नहीं पता, निकालना ही है ना, और D तो हमको पता है 9, सॉल्व करेंगे तो N निकलेगा। चलिए पहले 17 इधर ले जाऊँ, 350 माइनस 17, N माइनस 1 इंटू 9, 17 गया तो बच्चों 333 बचेगा, 9 इधर डिवाइड में ले आएंगे, n माइनस 1 ये पूरा जाएगा कितना, 9 से काट देते हैं, 9 3 जा तो 27 है ना, कितना बचेगा, 33 से 27 गया तो 6, 63, 9 7 जा 63 पूरा कट गया, और ये 1 इधर ला के ऐड कर देंगे तो n कितना आ गया, n आ जाएगा 38, ठीक। अब अगर N 38 आ गया तो अभी हमको S 38 निकालना है, क्या निकालना है, S 38, चलिए वो लेफ्ट साइड निकाल लेते हैं, S 38 ये रब कर दिया जाए, N by 2 ब्रैकेट में
अब बच्चों देखो, फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है, ए प्लस एल लगा दे फॉर्मूला, एन हमारा 38 अपॉन 2 और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म 17, लास्ट टर्म 350। ये बच्चों 19 टाइम्स कटेगा और ये ऐड करेंगे तो 367। चलिए 367 को इंटू कर लेते हैं 19 से, 97 से 63, 96 से 54 और 660, 93 से 27 और 633। 1 से इंटू करेंगे तो सेम आएगा 367, 3796 कितना आ गया, 6973। चेक किया जाए, ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो पहला एन तो 38 और 6973, समझ में आ गया, ये दोनों करेक्ट है हमारे जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 7th कर लेते हैं हम। क्या दे दिया क्वेश्चन नंबर 7th में, फाइंड द सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 1 and 1000, 1 और 1000 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं जो कि 3 से डिवाइड होते हैं, मतलब 3 का टेबल ही चलेगा, तो ये हमारी एपी क्या बनेगी बताओ, क्या करना था, ऑड। तो ऑड नंबर क्या लेंगे बच्चों, 3, 3 के बाद देखो एक ऑड है, फिर इवन है 6, फिर अगला ऑड क्या है 9, फिर अगला 12 इवन है, फिर ऑड 15, फिर इवन है, इवन कौन सा है 18, फिर तो 6-6 के अंतर पे आएंगे ये, समझ में आ गया, और लास्ट ऑड नंबर हमारा 999, ये परफेक्ट ऑड नंबर है, ठीक है, ये बनेगी एपी हमारी। तो फर्क क्या है बताओ, ए हमारा 3, समझ में आ गया, ऑड नंबर 3 के टेबल में तो आना चाहिए लेकिन ऑड होना चाहिए, तो इवन वाले छोड़ने सारे के सारे, ठीक है, तो 3, 6 छोड़ देना, 9, 12 छोड़ देना, 15, 18 छोड़ देना, इस प्रकार से, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ए हमारा 3, डी हमारा इस बार 9 में से 3 गया तो 6, और हमारा ए एन जो लास्ट नंबर है वो है 999 एज यूजुअल। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ए एन लगा देते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी, अब थोड़ा सा कम हो जाएगा संख्या, ठीक है ना। तो ए एन हमारा है 999 बराबर ए कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 डी, एन माइनस 1 डी कितना, एन माइनस 1, एन माइनस 1 और डी कितना है हमारा 6 है इस बार, ठीक है। चलिए ये इधर घट गया तो 996 एन माइनस 1 इंटू 6, 6 नीचे आ जाएगा, 996 अपॉन में 6, यहां बचेगा एन माइनस 1, काट दें 6, 1 जा 6, 3 बचा 39, 6, 6 जा 36, फिर 3 बचा 6, 6 जा 36, ठीक है, और यहां आएगा एन माइनस 1, तो एन कितना आ जाएगा 167। अब निकालेंगे सम ऑफ 167 टर्म्स, एन बाई 2 और ब्रैकेट में ए प्लस एल, एन हमारा 167 है अपॉन में 2, ठीक, और फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तो 3 है, लास्ट टर्म 999 ही है हमारी, फर्स्ट और लास्ट चेंज नहीं, और सिर्फ डी चेंज हुआ हमारा, ठीक है ना, और एन चेंज हो जाएगा, 167 अपॉन 2 ये 1002 आ जाएगा, काटेंगे तो 167 इंटू 501 आ जाएगा, अब कर लो 501 और 167 को इंटू, 7 1 जा 7, 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 6 1 जा 6, 6 0 जा 6, 5 जा 30, 501, 7 6 6 3 8, 8 3 6 6 7, 8 3 6 6, ये बच्चों आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्लियर है, 8 3 6 6 7, अभी हमारा ये करेक्ट है, ठीक है। तो पहले क्या गड़बड़ हुई थी, ऑड नंबर्स लेने हैं हमको यहाँ पे, ठीक है नहीं क्या। चलिए तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो अगले वाले पे एक बार ट्राई कर लेना, 8, 9, 10 और उसके आगे के कुछ और मिसलिनियस के एग्जांपल्स, इसके दो वीडियो में हम लगभग सारे फिनिश कर लेंगे, आप कुछ सॉल्व करोगे तो ईजी है, कुछ कुछ कर भी पाओगे, बच्चे कुछ मैं करवा दूंगा, नेक्स्ट दो वीडियोज़ में हम इन सभी को कवर कर लेंगे, पार्ट नंबर 7 के बाद 8 and 9 में। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, till then, goodbye and thanks for watching.